बनाएंगे अरबी के पत्तों का सैढ़ा। तो अरबी के पत्तों का सैढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम अरबी के पत्तों को ले लेंगे और उसे 3-4 बार पानी से धो लेंगे अच्छे से, और फिर पत्तों को कपड़े से पोंछ लेंगे या सुखा लेंगे। और अब हम यहाँ पर चाकू से डंठल को काटकर इस तरीके से हटा देंगे। इसी तरीके से सभी डंठल को हम यहाँ पर हटा लेंगे। यहाँ पर हमें बहुत ही धीमे से ऊपर ऊपर डंठल निकालना होता है, वरना हमारा पत्ता फटने लगता है। तो यहाँ पर सभी पत्तों के डंठल हटाकर हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम एक थाली ले लेंगे और कुटनी ले लेंगे, और इस तरीके से जो डंठल हमें दिखाई दे रहे हैं पत्तों के ऊपर, उन्हें हमें कूट लेना है ताकि पत्ते लपेटते समय हटे नहीं। इस तरीके से सभी पत्तों को हम कूट कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर पत्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम बेसन ले लेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, हरी मिर्च का पेस्ट मैंने बनाकर रखा है, ये इसे डालेंगे हम, और डालेंगे गरम मसाला पाउडर। हींग 1/4 चम्मच यहाँ पर लेंगे हम। अब यहाँ पर चम्मच से इन सभी मसालों को पहले हम मिला लेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम बैटर तैयार करेंगे। बैटर हमें बहुत गीला नहीं करना है, गाढ़ा ही रखना है। तो यहाँ पर बैटर हमारा तैयार हो चुका है पत्ते के ऊपर लपेटने के लिए। अब आप कोई भी बर्तन ले लें, यहाँ पर मैंने ढक्कन ले लिया है इस तरीके से। आपके पास और बड़ा बर्तन है तो आप उसे यूज कर लें। फिर इस तरीके से पत्ते के ऊपर बेसन को फैलाना शुरू करें। इस तरीके से पूरे पत्ते के ऊपर हम बेसन लगा देंगे। बेसन हमें बहुत अधिक नहीं लगाना है, हल्का पतला ही लगाना है। अब हम इसके ऊपर एक दूसरा पत्ता फिर से रखेंगे और फिर से बेसन लगाएंगे। और अब फिर से पत्ता रखेंगे, अब इसके ऊपर बेसन लगाएंगे।
और अब इस तरीके से घुमाकर आप पत्ता रख लें। इसी तरीके से हमें जितने पत्तों का रोल बनाना है, आप 5, 6 या 7 पत्ते जितने का भी रोल बनाना चाहते हैं, इसी तरीके से आप एक के ऊपर एक पत्ते बिछाते जाएं और उसके ऊपर बेसन लगाते जाएं। अब इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है। इस तरीके से इसे हम मोड़ लेंगे यहाँ पर। और ऊपर से थोड़ा बेसन और लगा देंगे। और अब इसे हम इस साइड से यहाँ पर मोड़ेंगे। इसे हम दोनों साइड से मोड़ लेंगे, पहले आगे से मोड़ेंगे और फिर दोनों साइड मोड़कर इसे बंद कर देंगे। और इस तरीके से पतला बेसन और इसके ऊपर लगा लेंगे। इस तरीके से इस तरीके से दबाते हुए इसका हम रोल तैयार करेंगे। इस तरीके से आप हाथ से दबाते जाएं और इसे घुमाते हुए रोल इसका बनाते जाएं। यहाँ पर थोड़ा बेसन और लगा लेंगे जिससे हमारे पत्ते खुले नहीं और अच्छे से चिपक जाए। तो अब यहाँ पर हमारा रोल बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे चाकू से काट लेंगे। तो यहाँ पर इसे हम इतना मोटा रोल काट कर तैयार करेंगे, बहुत पतला नहीं करेंगे वरना पत्ते फूलने लगेंगे हमारे। तो यहाँ पर हमारे पत्ते कटकर तैयार हो चुके हैं। हम इन्हें दूसरी थाली में निकाल लेंगे। और अब कढ़ाई में हम तेल गरम कर लेंगे। तेल यहाँ पर हमारा गरम हो चुका है। अब हम चम्मच से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बेसन फिर से लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें पतला ही बेसन लगाना है, बहुत मोटा नहीं करना है। तो यहाँ पर बेसन लगाकर रोल हो चुका है। अब हम कढ़ाई में इसे डाल देंगे। इसी तरीके से दूसरा रोल भी हम तैयार करेंगे। इस तरीके से सभी अरबे पत्ते के पकौड़ों को हम यहाँ पर डाल देंगे। और लो फ्लेम पर इसे हम पकने देंगे।
और अब इसे हम पलट देंगे। तो इस तरीके से आप सभी अरबी पत्ते के शेणों को पलट लें। और इसी तरीके से आप 3-4 बार उलट पलट कर इसे घुमा घुमा कर पका लें, ताकि चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। और बहुत ही धीमी आंच पर इन्हें हमें सेकना है, तेज बिल्कुल नहीं करना है। अब यहाँ पर पत्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सेणे फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, तैयार है बनकर अरबी के पत्तों का सेणा बनकर। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।